आप मुझे बताइए कि आप कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूंगी जितना मैं समझी हूँ, आज पहला दिन है कि ये एक गेम शो है जहाँ हम दो फैमिलीज को बुलाते हैं, उनके संग गेम खेलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, 4-5 राउंड्स हैं उनके, और फिर उनमें से एक सुपर प्राइज है। हर राउंड में उनको प्राइजेस मिलते हैं, और एक सुपर प्राइज है, बम्पर प्राइज है, ग्रैंड प्राइज है, और इस बीच में हम ऑडियंस के साथ भी खेलते हैं, जो घर बैठे लोग हैं उनके साथ भी खेलते हैं, और ये बहुत इंटरेक्टिव एक शो है, फैमिली वाला शो है। ये शो की खासियत मतलब वही है कि इंटरेक्टिव है, और जो घर बैठे बैठे लोग हैं वो भी टीवी देखते देखते एंजॉय करते हुए भी खेल सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पे हम जो कंटेस्टेंट आते हैं उनके साथ खेलते हैं, ऑडियंस के साथ खेलते हैं, जैसे कि मैम ने कहा, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। सो दैट वे इट्स अ डिफरेंट शो, एंड आई एम श्योर ये देख के भी मजा आएगा, खेल के और भी ज्यादा मजा आएगा। कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहेगा? मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि मतलब मुझे कुछ लाइफ में करना है, और मैं पहले मेरी बुआ ही मेरे लिए सब कुछ है, उनके साथ मैं रहता हूँ, और अभी थोड़ा उनसे थोड़ा दूर होने के लिए, बड़ा होने के लिए मैं अभी बम्बई आ गया हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। लेकिन मेरी बुआ बहुत सपोर्टिव है, वो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ पीछे आ जाती है, और वो आ गई है। वो आप बताइए। मैं चिकू की बुआ हूँ, बचपन से हम लोग तो गांव में ही रहते थे, लेकिन मैंने अपने चिकू को बहुत ब्रॉड माइंडनेस से पढ़ाया है कि जो तेरी मर्जी है कर, लाइफ में जो बनना है कर। इसलिए जब वो गांव छोड़ के आया तो मैंने कहा जा बेटा जा, आगे बढ़ने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। मुझे बड़ा करने में बुआ ने अपने अभी तक शादी नहीं की। हाँ, तो मेरा सब कुछ है चिकू। मैं अकेली बोर हो रही थी, आजकल मैं भी थोड़ा बना लेती हूँ, रील वील बना लेती हूँ, तो बस इसके पास आ गई मैं हवा पानी बदलने के लिए, और अब इसी की छाती पे मूंग दलूंगी। यहाँ देखो, मैं पहले बोल देती हूँ क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, ये मेरा सच में पहला ऐसा होस्ट मैंने किया है इस शो को, और अभी तक सिर्फ कैरेक्टर्स करने में क्या होता है, मेरे ख्याल से शायद ये चीज़ है कि जो इंसान जो काम करता है उसको वो थोड़ा कंपैरेटिवली दूसरे काम के इजी लगता है। जो ड्राइविंग करता है उसे ड्राइविंग इजी लगती है, जो स्विमिंग करता है स्विमिंग इजी लगती है। हम लोग एक्टर्स हैं तो फॉर अस यस, मतलब कोई ये ना सोचे कि बहुत अपने को तोप समझ रहे हैं, बट यस फॉर अस एक्टिंग इज मच ईजियर देन समथिंग डिफरेंट, चाहे वो कैरेक्टर से कनेक्टेड हो। तो यस, होस्टिंग अ शो I think is a very big responsibility, क्योंकि एक तो आजकल audience बहुत judgmental हो गई है, और बहुत cruel भी हो गई है, वो ऐसे दूध से मक्खी की तरह actors को जो है निकाल देती है। तो I was very scared कि पता नहीं, मुझे अभी भी मुझे नहीं पता है कि कितना accept करेंगे, कितना प्यार मिलेगा। शो होस्ट करने में मुझे मज़ा आया, जो फैमिलीज थी उनके साथ, ऑडियंस के साथ। obviously Kevin is so good, he is so good के मुझे ऐसे जो मेरा डर था वो आधा इसकी वजह से खत्म हो गया, एंड नाउ एवरीथिंग इज इन ऑडियंस हैंड्स। मैं यही कहना चाहूंगा कि होस्टिंग, यस ऑफ कोर्स इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन पर्टिकुलरली ये शो करने में मैं थोड़ा एक्साइटेड, मैं ज्यादा एक्साइटेड था और थोड़ा कम नर्वस था, क्योंकि मुझे पता चला कि सुनीता जी के साथ करना है। मैंने बोला कि उनका जिस तरह से कैरेक्टर है जो वो करने वाली है, तो मतलब मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, मुझे खाली वहाँ आके बोलना पड़ेगा। और जिस तरह का ये शो है, मतलब ये इतना रियल और इंटरेक्शन के ऊपर है। हाँ। जो 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 कंटेस्टेंट्स आते हैं उनका पूरा फैमिली आता है, तो उनके साथ बातचीत करते करते शो कैसे ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। सो दैट वॉज द मेन रीज़न वाई आई सेड कर लेते हैं, ये थोड़ा ईजी लगेगा मुझे करने में। हाँ, फन, A lot of fun, lot of interaction, lot of prizes, lots of prizes. मतलब I'm sure, आज हम लोग पहली बार जब कर रहे थे तो यहाँ खड़े थे, हमने सोचा कि यार काश हम वहाँ पे होते, right. तो I'm sure जो audience घर बैठ के देखने वाली है उनको भी ये होगा कि काश हम वहाँ होते, बट उनके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि वो भी घर बैठे बैठे भी खेल सकते हैं। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो। और जो ऑडियंस में बैठी थी उनको लगा कि काश हम वहाँ पे होते, उनके लिए भी हम लोगों ने एक राउंड रख लिया था। सो वी हैड एन ऑडियंस राउंड एज वेल, जो बुआ जी का आइडिया था, मजेदार आइडिया था। तो ऑडियंस भी जीतती है, कंटेस्टेंट्स भी जीतते हैं, घर बैठे बैठे व्यूअर्स भी जीतते हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए शो में यार? बजिंगा डाउनलोड करो करो
हर रविवार को हम तुम्हें 5 बजे मिलेंगे, हमसे मिलने आओ, गेम खेलो, इनाम जीतो, खुद भी खुश रहो, हमें भी खुश रखो। एग्जैक्टली, थैंक यू, थैंक यू। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.